बेटी की कमी थी, वो अभी दिव्या आने के बाद बहुत हम लोग सब खुश है कि घर एकदम हंसता के। और उनका तो छोले और आलू पराठा बहुत अच्छा बनाया था। फर्स्ट टाइम तो उन्होंने हमें वही खिलाया था। बहुत ही खुश हूँ, मुझे एक बेटी मिल गई है। और जो मेरी बेटी की कमी थी, वो अभी दिव्या आने के बाद बहुत हम लोग सब खुश है कि घर एकदम हंसता खिलता रहेगा। और भी इसके लिए बहुत हैप्पी है। और उनका आने का भी हम लोग इंतज़ार कर रहे थे। बहुत खुश हो गए थे हम लोग कि दोनों हैप्पी है, वही हमें चाहिए ना, और क्या चाहिए ना। तो बच्चे हमारे खुश रहेंगे, वही सबसे ज़्यादा अच्छा है। अभी ये उम्र में हमें कुछ नहीं चाहिए कि दोनों फैमिली का रिलेशन भी अच्छा होने दीजिए। और हमारे साथ और एक फैमिली जुड़ गई है, और उनका भी हमें हमेशा सहाय मिलेगा, और हम दोनों फैमिली एक साथ में बच्चों के साथ अच्छी तरह से ज़िंदगी बिताएगी। दिव्या की क्या क्वालिटीज आपको पसंद है, और आल्सो दिव्या को खाना बनाना बहुत पसंद है। हाँ, आप लोगों के लिए बनाया भी है? हाँ, बहुत टाइम। और उनका तो छोले और आलू पराठा बहुत अच्छा बनाया था। फर्स्ट टाइम तो उन्होंने हमें वही खिलाया था। तो भी बहुत अच्छी भी कुक है, ऑलराउंडर है, और सब बातों में सपोर्ट भी करती है, सब संभाल के लेती है। तो वही चाहिए ना, और बस कुछ नहीं। दोनों के लुक के बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि अक्सर देखा जाता है दूल्हा और दुल्हन लाल जोड़े या क्रीम कलर की शेरवानी नहीं होते, इस बार उनका कॉस्ट्यूम किसने डिसाइड किया था? वो मुझे पता नहीं इतना। हाँ, लेकिन कॉस्ट्यूम अच्छा लगा, जो चॉइस उनका है वो बेस्ट है। तो और उनके बारे में ज़्यादा मुझे पता नहीं था। तो स्वागत कोई करने वाले हैं आप बहू का, कहीं और जाने वाले दिव्या या यहीं पे रुकेंगे? नहीं, अभी वो हमारे घर आ रही है ना। हाँ, पे कैसी तैयारी की आप? हाँ, सब वो करके हमारे रिलेटिव्स में सब करके रखी है, अभी इंतजार कर रहे हैं बहू प्रवेश का। थैंक यू सो मच। बहू आने, वी आर वेरी लकी टू हैव अ डॉटर इन लॉ, लाइक वी आर वेरी हैप्पी एंड शी इज मोस्ट वेलकम इन आवर फैमिली। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, वी हैव नॉट एक्सपीरियंस इट, इट्स वेरी ब्यूटीफुल एंड आवर ऑल ऑफ माय फैमिली अलोंग विद मी, आई थैंक्स एवरीबॉडी। ऊपर का कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है मस्ती मजाक वाला, क्योंकि दोनों हमेशा मस्ती में ही रहते हैं? नहीं, इवन एट होम आल्सो दे आर डूइंग मजा मस्ती, सो दैट्स गुड, यू नो, इट्स अ गुड थिंग। सो वी आर वेरी हैप्पी एंड आई विश देम बोथ हैप्पी फ्यूचर एंड हैप्पी मैरिड लाइफ। Who enjoyed it? First time we enjoyed it, because we have not seen such these things, marriage. So really we enjoyed it.